जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो पे। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में कोई ट्रेवल जर्नी नहीं है, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रेलवे का इतिहास, यहाँ के पुराने लोकोमोटिव्स, पुराने कोचेस, बोगीज, ए टू जेड सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भारत की लेटेस्ट ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ। ये है अमृत भारत एक्सप्रेस की विजिबिलिटी जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल पहले आप देख लो। दिनांक 30/12/2023 को अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन पुश पुल तकनीक से युक्त दक्षता, आराम, सामर्थ्य का एक अनूठा मिश्रण है। यह देश के रेल यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे और अगर इसकी आप जर्नी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इतिहास की तरफ। और आपको पता है कि वंदे भारत 2.0 आने वाली है, तो देख रहे हैं ये सारी डिटेलिंग है यहाँ पर, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये है रेस्टोरेंट कार फॉर सिग्नल रेलवे, देख सकते हैं डेमो यहाँ पर कुछ रखा गया है। और ये श्रीलंकन डेमो कैसा है देखें, लाइट वाइट जल रही है वैसे, है ना, खूबसूरत सी डेमो यहाँ पर रखी गई है। और ऐसे ही कई सारी डेमो हैं जो आप आगे देखने वाले हैं। ये इंडियन रेलवे का कोच है जो आप सबको पता है कि ये स्पेशल कोच होता है जिसमें आम आदमी के बैठने की परमिशन नहीं होती है। और ये AC दुरंतो का है और ये दुरंतो का सेकेंड क्लास AC कोच है। ऊपर से देखें कितना बेहतरीन लग रहा है, ऐसा कुछ है। LHB 3 टायर का कोच सामने आप देख पा रहे हैं। और ये पटियाला का DMW लकड़ी से बना हुआ है, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। इसकी डिटेल आप नीचे ऐसे पढ़ पाएंगे, यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड। RRV के रूप में संदर्भित रेल सह सड़क वाहन एक स्वचालित वाहन है जो रेलवे ट्रैक के साथ साथ सड़क पर भी चल सकता है। इसे ट्रेन के रूप में GR 1.02 यानी 58 के परिभाषित किया गया है ताकि खुली लाइन पर काम करने के उद्देश्य से किया जा सके। इसकी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। और सामने की तरफ आप जब जाएंगे वहाँ पर LHB AC चेयर कार कोलकाता का डेमो ये है। और यही वो ट्रेन है जो सबसे लेटेस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है वंदे भारत, हालांकि वंदे भारत है लेकिन इस कलर में ही आई है अमृत भारत। इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं नीचे डिटेल आप ये देखें वंदे भारत की दी गई है, तो आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से पढ़ पाएंगे। और आगे की तरफ जब आप जाएंगे इधर, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका भी वीडियो चैनल पर प्रकाशित है, तो अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और वो है लगेज और जनरेटर वाला कोच, और उसके बाद हम सफ़र का कोच। जैसा कि आपको पता है कोच के कलर से ही पता चल जाता है। और एक ये जो कोच आप देख पा रहे हैं ये शताब्दी एक्सप्रेस का, और ये वाला जो है भाई साहब बहुत पुराना और बहुत इंटरेस्टिंग, इसका नाम है महाराजा इंजन। 1950 में इस कार्यशाला के तहत नए HP श्रेणी के वॉल्विन लोकोमोटिव का निर्माण किया गया और उन्हें सेवा में लगाया गया था। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे, वीडियो को पॉज करके मैं आपको दिखाता हूँ पास से कैसा दिखता है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन है। और ये चलता था कोयले से, देखिए पीछे ट्रॉली लगी है कोयले की। और उसके पीछे जो आप देखेंगे ये वाला जो कोच है ये है 3PS डेमू MC, बहुत ही गजब का है, RCF के साथ चलता है और अभी भी रनिंग में है। और इन सारे कोच की डिटेल अगर आप देखना चाह रहे हैं सामने भी देखिए बोर्ड लगा हुआ है, ऐसे सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब के पीछे बोर्ड लगे हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अब जो आपके सामने कोच है ये है जन शताब्दी एक्सप्रेस का, बहुत ही VIP कोच है, कभी इसमें यात्रा करना मज़ा आ जाएगा आपको। और इधर जो है ये तो आपको पता ही होगा शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार है, बड़ा गजब और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस इसका भी रहा मुझे। और ये वाला जो आप देख पा रहे हैं जो लकड़ी का बना हुआ है ये WDM लोकोमोटिव है, मॉडल है DMW पटियाला का। इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी डिटेल ये सामने दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप देख पाएंगे। फिलहाल मैं आपको हेडलाइन बता देता हूँ, 3300 HP वाला WDM 3D लोकोमोटिव WDZ3A की तुलना में 500 मिमी छोटे प्लेटफॉर्म वाला एक मिश्रित सेवा लोकोमोटिव है। ऐसी सारी डिटेलिंग है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं अगर एक ही चीज़ बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखो ये है लोकोमोटिव के मोटराइज बोगी, ये जो आप देख पा रहे हैं लकड़ी से बनी हुई ये मोटराइज बोगी है। अगर इसकी डिटेल आपको पढ़ना है तो सामने वो बोर्ड लगा हुआ है, अब मैं आप जूम कर देता हूँ यहाँ पर, आप इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। और ये है अंत्योदय वाला कोच, कि कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। और
रेलवे सेमाफोर सिग्नल कैसा है वो देखे, जूम करके दिखाता हूँ आपको, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, अंत्योदय कोच के बारे में पढ़ सकते हैं, तेजस कोच के बारे में पढ़ सकते हैं, राजधानी एक्सप्रेस के बारे में पढ़ सकते हैं, फिएट बोगी के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें। पहले आप ये देखिए, यह तेजस का कोच कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन इसको बनाया गया है, देख रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है एकदम रियलिस्टिक खड़ा हुआ है यहाँ पर। और राजधानी का अगर मैं आप दिखाऊँ तो ये है राजधानी का VIP कोच, राजधानी एक्सप्रेस, मज़ेदार। इसकी यात्रा अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको ऑलरेडी इसकी यात्रा मिल जाएगी। इसमें ऊपर देखें सीट अरेंजमेंट कैसा है, सारे कोचेज़ में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, देखिए सीट अरेंजमेंट कैसे होता है कोचेज़ में, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये है इसका नाम BLC कंटेनर, BLC वैगन 5 फ्लैट वैगनों को मिलाकर बनता है। इस बंद कंटेनरों KBLC वैगनों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो सामने बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर आप ले सकते हैं। यह फेड बोगी, इसको बोगी बोलते हैं, जो हम लोग जिसमें बैठते हैं उसको बोगी नहीं बोलते, उसको कोच बोलते हैं। कोच और बोगी में काफ़ी फ़र्क होता है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बारे में पढ़ना है फेड बोगी के बारे में तो सामने देखे बोर्ड लगा हुआ है। और BTPN ये मुझे लगता है पेट्रोल वाला शायद जो है, हाँ पेट्रोल देखे लिखा हुआ है, जो ट्रेनों में आपने देखा होगा ट्रेनें पेट्रोल लेकर जाती हैं, डीजल लेकर जाती हैं, ईंधन वगैरह, तो ये वो वाले कोचेज़ हैं। इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्या है, कुछ नहीं, बस ये या सभी प्रकार के ईंधन को ढोने हो तो उपयोग में लाए जाते हैं, ऐसा कुछ है। इसका नाम है BTPN और ये भी सेम पैटर्न का ही है लगभग, मतलब मालगाड़ी के में ही ये कोच लगते हैं। और इनका नाम है BOBRN वैगन। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, देखिए BOBR वैगन को बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज हॉपर वैगन भी कहते हैं। इसे कोयले की बड़ी मात्रा में कोलियारियो के निकटतम तक ले जाने के लिए विकसित किया गया है, एवं थर्मल पावर स्टेशन और बंदरगाह जैसे अनलोडिंग पॉइंट तक ले जाया जा सकता है। कई सारी डिटेल आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं वॉक्स एंड वैगन, इसकी डिटेल आप यहाँ देख पाएंगे। और ये है आपके सामने वॉक्स एंड वैगन, ठीक है। और ये है कैश बन ट्रॉली, इसको बोलते हैं कैश बन ट्रॉली, इसकी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो ये है सामने इसकी डिटेल, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को कैसे चलाया जाता है उसका एक डेमो देखें। ये पूरा जो यहाँ पे बनाया गया है रूट एक डेमो का, ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का है। वहाँ पर देखें एक कानपुर का लोकोमोटिव भी खड़ा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ तारों का जंजाल है और कैसे कैसे चलाया जाता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक को सप्लाई किया जाता है, वो सारी यहाँ पर एक डेमो दिया गया है। और इधर पूरा इलेक्ट्रिक का पावर हाउस आप इसको बोल सकते हो, 132 किलोवाट साइड जेनरी, 132 KV DPI, ऐसे ऐसे करके डिटेल है, जो मैकेनिकल के लोग होंगे इलेक्ट्रिकल के वो अच्छी तरीके समझ पा रहे होंगे। देखिए ऐसा कुछ है। और अब इस वीडियो में एक सवाल कि हर जगह इलेक्ट्रिक में ये गिट्टियाँ क्यों बिछाई जाती हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अभी तक तो आपने कोचेस बोगी और लोकोमोटिव के देखा, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाता है वो देखा, और अब आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताते हैं। चलिए उत्तर मध्य रेलवे की समृद्ध विरासत आप यहाँ पर देख पाएंगे कैसे दिखाया गया। देखिए 19वीं सदी में निर्मित कानपुर वेस्ट सिग्नल केबिन कैसा हुआ करता था, देख रहे हैं, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है, क्रोपेन वेस्ट ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। और यह है प्रयागराज का नज़ारा 1913 का, ब्रिटिश काल में इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज हो चुका है, जंक्शन स्टेशन भोजनालय कैसे हुआ करता था। वैसे ये सारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये सेपरेट वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये था कि कुछ चीज़ अगर रह गई हो तो वो आप तक पहुँचाई जा सके। ये सबसे पुराना रेलवे लोकोमोटिव था, देख रहे हैं ऐसा चिमनी सा निकला हुआ है। और ये विश्व इतिहास में रेल पटरियों पर सबसे पहले भाप इंजन को एक कार्निशमैन कार्नवाल इंग्लैंड के निवासी ने चलाया था, 1771 से 83 के बीच की बात है, देख रहे हैं ऐसा कुछ। उसके बाद फिर कैलिफोर्निया के सेंट्रल पैसिफिक रेल रोड कंपनी का एक स्टीम लोकोमोटिव आया, फिर लाल बहादुर शास्त्री ने DLW द्वारा निर्मित पहला डीजल लोकोमोटिव 2600 HP राष्ट्र को समर्पित किया, फिर उसके बाद 1500 HP का ये लोकोमोटिव आया, उसके बाद फिर भारत में पूर्णतः निर्मित हुआ ये पहला स्टीम लोकोमोटिव जिसकी आप झलक देख पा रहे हैं। तो बेसिकली रेल इंजनों का कैसे कैसे विकास हुआ है
वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। इस पर ऑलरेडी वीडियो पब्लिश है तो आप उसको देख पाएंगे। अब रेलवे के कुछ यादगार पल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अभी एक एक चीज़ पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए, भारतीय रेलवे इंजनों का इतिहास कुछ ऐसा है, 1949 से लेकर कई सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई हैं। ईयर 1843 लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ने की संभावनाओं की कल्पना से लेकर होते हुए जब आप आएंगे 1987, 25, 69, ये सारी चीज़ें जब आप लेते हुए आएंगे तो आप आ जाएंगे सीधे 2023 में, जहां पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। ठीक है, ईस्ट रेल इंडियन रेलवे का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर पढ़ पाएंगे। और हेडलाइन क्या है, भारतीय रेल अतीत के झरोके से, ये सारी डिटेलिंग है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये सारी चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो कहाँ पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और कब तक आप देख पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इधर जब आप घूमेंगे तो देखिए, दो रेलवे स्टेशन हैं, दोनों रेलवे स्टेशन में फ़र्क देखो, 767 करोड़ की लागत के साथ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और उसके बाद क्या क्या सुविधाएँ हैं वो आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और इधर है प्रयागराज जंक्शन जिसकी लागत है 936 करोड़, देख रहे हैं, ऐसा था कुछ इस रेलवे का इतिहास। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे से संबंधित जानकारी मिलने वाली है, फिर चाहे वो ट्रेन ट्रैवलिंग हो, रेलवे स्टेशन हो, रेलवे की इन्फॉर्मेशन हो, कई सारी चीज़ मिलेंगी। अपना जो दूसरा चैनल है यात्रा जंक्शन, उस पर आपको मिलेंगे विजिटिंग प्लेसेस, सुंदर सुंदर से विजिटिंग प्लेसेस मिलेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी, उसकी हिस्ट्री मिलेगी, कई सारी चीज़ मिलेंगी। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी है हर्ष जर्नीज। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।